18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया। संसद नए सांसदों के साथ फिर गुलजार दिखी। आज सांसदों के शपथ का दिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने शपथ दिलाई। संसद में आज पहले दिन क्या खास रहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। सोमवार को 18वीं लोकसभा का पहला दिन कुछ बदला सा था। सांसदों की शपथ का दिन था तो सब कुछ बिल्कुल शांति से ही चलना था, लेकिन इन सब के बीच कुछ और भी चल रहा था। इशारों में चुपचाप वार पलटवार। पीएम मोदी जब संसद में दाखिल हुए तो बीजेपी सांसदों ने उनका स्वागत पूरे जोश के साथ किया। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी सीट पर बैठ गए। दूसरी छोर पर विपक्ष की एकजुटता की झलक देखने को मिली। 18वीं लोकसभा के पहले दिन का ये सबसे खास नजारा था। यूपी के दो लड़के यानी अखिलेश और राहुल आसपास ही बैठे। विपक्ष की ओर देखते हुए पीएम मुस्कुराने लगे और देर तक हंसते रहे। गृह मंत्री अमित शाह जब शपथ लेने के लिए पहुंचे तो राहुल गांधी उन्हें संविधान की कॉपी दिखाते हुए नजर आए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शपथ के लिए जाते वक्त विपक्षी सांसदों ने नीट नीट के नारे लगाए। सदन में पति पत्नी की इकलौती जोड़ी भी नजर आई। कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव भी संसद पहुंचे, जो कल शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। वहीं बाहर विपक्षी एकजुटता का नजारा भी देखने को मिला। सभी विपक्षी नेताओं ने हाथों में संविधान की कॉपी लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष ने बीजेपी नेता और सात बार के सांसद भर्तृहरि महताब के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने का विरोध जताया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इस पद के लिए कांग्रेस सदस्य कोडी कुन्नल सुरेश के दावे को नजरअंदाज किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने 25 जून का जिक्र किया और इमरजेंसी के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने 18वीं लोकसभा का मतलब भी समझाया। कल 25 जून है, जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है, पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। इस बार की लोकसभा में क्या खास रहेगा वो जान लीजिए। डिंपल और अखिलेश यादव संसद पहुंचने वाले पहले दंपत्ति हैं और यूपी के कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र के सांसद हैं। 10 साल बाद 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहेगा। 18वीं लोकसभा कैसी दिखेगी वो भी देखिए। 240 सीटों के साथ बीजेपी 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ा दल है। 98 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है। 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी तीसरी और 29 सीटों वाली तृणमूल कांग्रेस चौथी बड़ी पार्टी है। इनमें से 78% नव निर्वाचित सांसद अंडर ग्रेजुएट है। 22% सांसदों ने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है। 52% पहली बार चुनकर आए सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में 281 सांसद यानी 52% ऐसे सांसद हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। 17वीं लोकसभा में ये संख्या 267 थी। नई लोकसभा में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इस बार कम उम्र के सांसदों की संख्या बढ़ी है। पिछली बार लोकसभा की औसत आयु 59 साल रही थी, जो इस बार थोड़ी घटकर 56 साल हो गई है।
जाहिर है कि ज्यादातर दलों ने कम उम्र के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कल यानी 25 जून को भी नए सांसद शपथ लेंगे। दो दिन के शपथ ग्रहण के बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कल और सांसदों को शपथ दिलाने के बाद बारी आएगी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की, जिसका चुनाव 26 जून को होगा। और इस चुनाव में को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तनातनी होनी तय है। वैसे विस्तार न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ही अगले लोकसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। उनके नाम पर एनडीए में सहमति तकरीबन बनती जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगी।